जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये शख्स हैं, राजीव त्यागी, मरहूम राजीव त्यागी। कल आज तक पे हुए एक डिबेट में इन्हें हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है और कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। मैं ये तो नहीं जानता हूं कि राजीव त्यागी की मौत के लिए ये जहरीला डिबेट जिम्मेदार था या नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि राजीव त्यागी की मौत के लिए संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के जहरीले बोल जिम्मेदार थे या नहीं, मगर एक बात मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को अपने तेवर, अपने बोलों पर, अपनी जुबान पर काबू लाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत संबित पात्रा तुम्हें खुद के साथ करनी पड़ेगी। संबित पात्रा जिस तरह का मजाक, जिस तरह की हरकतें टीवी डिबेट्स पर करते हैं, उन्हें आप सिर्फ मजाक में नहीं उड़ा सकते। जिस तरह का जहर, जिस तरह की कटु शब्द वो अक्सर टीवी डिबेट्स पर कहते हैं ना, उसकी आपको कोई मिसाल नहीं दिखाई देती सिवाय उनकी अपनी पार्टी में। इन अन्य चेहरों पर भी गौर कीजिए। प्रेम शुक्ला, टेलीविजन डिबेट्स में इन्होंने दो महिला प्रवक्ताओं प्रियंका चतुर्वेदी और पंखुड़े पाठक पर अभद्र टिप्पणी की थी। मैंने कम से कम दो डिबेट्स देखे हैं ट्विटर पर जिसमें ये अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। गौरव भाटिया एक डिबेट में तो ये हाथापाई पर उतर आए थे। मगर मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। कांग्रेस राजीव त्यागी की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है उस जहरीले डिबेट और संबित पात्रा तक को। उन्होंने क्या कहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत ही दिलचस्प शब्द है, यह आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए डिबेट में जाने से पहले संबित पात्रा के तेवर। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं ये देखिए। ऑन आज तक एट 5 PM विथ सरदाना रोहित ऑन बैंगलोर वायलेंस, दिल में बहुत आग है, आज इसे अभिव्यक्त करना है। यानी कि संबित पात्रा इस डिबेट में इस सोच के साथ प्रवेश उन्होंने किया कि मेरे दिल में बहुत आग है और मुझे अभिव्यक्त करना है। अब मैं आपको इस डिबेट के 20 सेकेंड्स का एक अंश दिखाना चाहूंगा और आप खुद देखिए संबित पात्रा ने तमाम हदों को पार कर दिया। देखिए, नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है, टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका दिल में। अब आप ये स्क्रीनशॉट देखिए जिसके अंदर राजीव त्यागी ने एक हाथ अपने दिल पर रखा हुआ है, यानी कि असहज महसूस कर रहे थे राजीव त्यागी। अब मैं चाहता हूं आप सुनिए उस डॉक्टर की आवाज, उस डॉक्टर का बयान जिसने इस बात की तस्दीक की है कि राजीव त्यागी को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ था डिबेट के दौरान। सुनिए। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। और बात यहां नहीं रुकती है, डिबेट के बाद संबित पात्रा को खुद शायद यह महसूस हुआ कि मैंने कुछ लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी हैं जिसके लिए वो माफी भी मांगते हैं। देखिए, रोहित जी माफ करिएगा, आज गुस्से में शायद थोड़ा ज्यादा बोल गया, मगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने चाली हेब्दो हिंसा का समर्थन किया था, क्यों दोस्तों, याद है ना आप लोगों को। इसी डिबेट का एक और अंश मेरे सामने उभर कर आया है और इस डिबेट के अंदर संबित पात्रा ट्विटर में मौजूद लोगों को का आह्वान कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर ट्वीट करो, बोलो। और मैंने अक्सर देखा है संबित पात्रा को ट्विटर के अंदर कुछ महिला पत्रकारों को विशेष तौर पर ये टारगेट करते हैं, उनके ट्वीट्स उठाएंगे, अपने तमाम ट्रोल्स को आमंत्रित करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, ट्विटर पर जो उनकी सेना है, सोशल मीडिया पर जो उनकी सेना है, सबसे जहरीली सेना है।
ये लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं, महिला पत्रकारों पर बलात्कार की धमकी देते हैं और इन तमाम जहरीले ट्रोल्स को किस कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। इन्हें पूरा संरक्षण मिलता है संबित पात्रा सरीखे नेताओं का। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह से राजीव त्यागी की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है संबित पात्रा और उस जहरीले डिबेट को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का। कब तक जहरीली डिबेट और विषैले प्रवक्ता संयम और सादगी की जुबान की जान लेते रहेंगे? कब तक इस बहस से टीआरपी का धंधा चलेगा? कब तक हिंदू मुसलमान के विभाजन का जहर इस देश की आत्मा को लीलता रहेगा? कब तक राजीव त्यागी? आगे देखिए कांग्रेस के दो अन्य प्रवक्ताओं ने क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर रागिनी नायक। अभी राजीव त्यागी के शोकाकुल परिवार से मिलकर आ रही हूं, उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही। त्यागी जी कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, देशभक्त थे, अपने धर्म के प्रति घोर निष्ठावान थे। लाइव डिबेट में उन्हें जयचंद और नकली हिंदू बोलने वालों पर लानत भेजती हूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो खुद निशाने पर रहते हैं, राजीव त्यागी पर जो दबाव डिबेट के दौरान रहा होगा वो मैं समझ सकता हूं। ये संयम और आचरण की परीक्षा देने जैसा है। सुनियोजित व्यवस्था के तहत आवाज बंद करना, व्यक्तिगत और पार्टी नेताओं के लिए अपशब्द, कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ 3-4 घोषित अघोषित प्रवक्ता जैसे कुछ हथखंडे हैं, ये खेल कब तक? यानी कि स्पष्ट है कि कांग्रेस इसके लिए न सिर्फ संबित पात्रा को जिम्मेदार मानती है बल्कि उस न्यूज चैनल को भी जिम्मेदार मानती है जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जहरीले डिबेट्स का प्रचार प्रसार किया जाता है। दोस्तों, जब आप किसी को जयचंद कहते हो ना, यानी कि आप उसे गद्दार बताते हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया में प्रचार तंत्र के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। यानी कि आप किसी को गद्दार बताओगे, उसके खिलाफ एक माहौल बनाओगे, देशद्रोही करार दोगे। इस सरकार के जो बिके हुए पत्रकार हैं उन्होंने तो मुझे इस कदर टारगेट किया है, मेरे परिवार को इस कदर टारगेट किया है, मुझे ISI का एजेंट तक करार दिया, ना जाने क्या क्या कहा है इन्होंने। और यकीन मानिए ये किसी यातना से कम नहीं है। यानी कि आप किसी के टीके पर सवाल उठा रहे हैं। कल जन्माष्टमी थी, हो सकता है राजीव त्यागी के जो सिर पर टीका हो वो उपवास कर रहे हों, या जन्माष्टमी के सिलसिले में उन्होंने ये टीका लगाया हो। अब उनके टीके तक पर संबित पात्रा ने डिबेट में सवाल उठाया, तमाम हदें पार कर दी आपने। मैं आपको बताता हूं, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि डिबेट राजीव त्यागी की मौत के लिए जिम्मेदार है या नहीं, या संबित पात्रा मौत के लिए जिम्मेदार है या नहीं, मगर एक बात स्पष्ट है कि शुरुआत न्यूज चैनल्स और संबित पात्रा सरीखे प्रवक्ताओं को करनी पड़ेगी अपने जहरीले बोल पर लगाम लगाने के लिए। मगर एक बात मैं आपको बताता हूं, होता क्या है दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये चेहरा आप देख रहे हैं, इसका नाम प्रेम शुक्ला है, BJP का प्रवक्ता है। उस वक्त मैं ABP न्यूज में काम करता था और मैंने इस शख्स से कुछ सवाल किए जिस अंदाज में मैं अक्सर सवाल करता हूं, तो जवाब में यह शख्स मुझ पर एक झूठे प्रोपेगेंडा को लेकर मेरे परिवार पर हमला करने लगता है, मेरी पत्नी पर हमला करने लगता है, और एक खुले डिबेट के अंदर। बाद में जाकर मैंने इसको समझाया कि जिस मुद्दे को लेकर आप मुझ पर निशाना लगा रहे हैं वो सरासर झूठा है। इस शख्स ने मुझे धमकी भी दी थी कि तुझे मैं जेल में बंद करवाऊंगा इस NDTV घोटाले के चलते। बाद में जिस शख्स ने मुझ पर वो आरोप लगाया था, IRS का एक अफसर है, उसे नौकरी से इसी सरकार को निकालना पड़ा था। यही नहीं, अदालत में हम सारे केसेस जीत गए दोस्तों। जी हां, इनकम टैक्स इवेजन को लेकर हम सारे केसेस जीत गए। बावजूद इसके पिछले 6-7 साल से लगातार मेरे परिवार पर हमला होता रहा। आपको अंदाजा है दोस्तों किस यातना से एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जब सिर्फ आप पर नहीं आपके परिवार पर भी हमला होता है। और जब आप डिबेट में होते हैं ना तो आपका तापमान वैसे ही बहुत ऊंचा होता है, आप वैसे ही उग्र होते हैं, एड्रेनलिन आपका बहुत ज्यादा हाई होता है, और ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए जो राजीव त्यागी के साथ हुआ वो हर बार होता रहे। इस डिबेट को किसी ना किसी की जान लेनी ही थी और आज ये हो गया।
और ये आज पहली बार नहीं है, हर बार मैं आपसे कहता रहा हूं इन डिबेट्स को मत देखिए, इनमें शरीक मत होइए। रणदीप सुरजेवाला का आपने ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं जहरीले विषैले डिबेट्स हैं। तो सुरजेवाला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो बॉयकॉट किया हुआ था ना ऐसे डिबेट्स को, तो फिर आप दोबारा इन डिबेट्स में क्यों जाने लगे? बताइए मुझे, कांग्रेस के इस दोहरे मापदंड पर सख्त आपत्ति है दोस्तों। आपको अपना चेहरा भी दिखाना है और फिर इन डिबेट्स की आलोचना भी करनी है, अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमें वही पात्र हर बार नजर आते हैं, चाहे प्रवक्ताओं के मोर्चे पे हो या पत्रकारों के मोर्चे पर हो, और मैं आपको बताता हूं कैसे। वही पात्र और वही किरदार, वही पॉलिटिकल पार्टी, वही जहरीला प्रचार न्यूज डिबेट्स पर आपको दिखाई देता है, वही चेहरे हर बार आपको दिखाई देते हैं, और हर बार उन डिबेट्स में वही रेंटल मौलाना पहुंच जाते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, वही आरएसएस के प्रचारक पहुंच जाते हैं, यानी कि एक कांग्रेस का प्रवक्ता होगा या एक आरजेडी का या एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होगा, और उसे घेरने के लिए एंकर भी होगा, आरएसएस के प्रचारक भी होंगे, और दूसरी तरफ कुछ रेंटल मौलाना भी बैठे होंगे जो अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं, और उस बकवास के चलते लोग जो उस डिबेट को देख रहे होते हैं उनके अंदर और गुस्सा पैदा होता है, और फिर वही पत्रकार, वही एंकर्स, उस एंकर का पर्दाफाश आज से कुछ सालों पहले मैंने किया था, वो आदमी झूठ बोल रहा था, और झूठ क्या बोल रहा था कि कासगंज के अंदर मुसलमान जो हैं वो तिरंगा फहराने का विरोध कर रहे थे, उसको मैंने एक्सपोज किया था, उसके झूठ को मैंने एक्सपोज किया था, ये बतला के कि वहां पर मुसलमान भी थे कासगंज के अंदर जो झंडा फहराने खड़े हुए थे, और बाद में उस चैनल को यू टर्न लेना पड़ा था, उसे अपने एक और पत्रकार को कासगंज भेजना पड़ा था हकीकत दिखलाने के लिए। वही पत्रकार आज इस डिबेट में भी दिखा, यानी कि वही किरदार। मैं यही तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डेढ़ फुटिया सोच के पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, जो एक खास पार्टी की सुपारी लेकर चलते हैं, उनका क्या स्थान है न्यूज चैनल्स में? इनका स्थान होना चाहिए जेल के अंदर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप समाज के अंदर अपने कार्यक्रमों के जरिए सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बनती है न्यूज चैनल्स की, आपने इन लोगों को जगह क्यों दी है? बात वहां नहीं रुकती है, मैं एक और कदम आगे जाना चाहता हूं। इन पत्रकारों के परिवार होंगे, बच्चे ना सही बीवी होंगी, बीवी ना सही मां बाप होंगे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम समाज को क्या माहौल देना चाहते हो अपने बच्चों के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए? क्योंकि देखिए, बीवी आपकी काम करने जाती होंगी, बच्चे स्कूल्स जाते होंगे, जो जहर आप पैदा कर रहे हैं, आप समाज को एक ज्वालामुखी की तरफ ढकेल रहे हैं, दंगे जैसे माहौल बना रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे मामले हैं जहां न्यूज चैनल्स के झूठ, न्यूज चैनल्स के जहरीले प्रोपेगेंडा के चलते दंगे तक हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन संस्थाओं में आखिर क्या जगह है ऐसे पत्रकारों की, क्या जगह है इस तरह के जहरीले डिबेट्स की? एक जमाना होता था जब हिंदू मुस्लिम तनाव होता था तो उस पर डिबेट्स नहीं होते थे, और उस खबर को भी सलीके से पेश किया जाता था, समुदायों का नाम तक नहीं लिया जाता था। उसकी वजह यह थी कि हम नहीं चाहते थे कि समाज में तनाव पैदा हो, जहर पैदा हो, मगर अब खुलेआम डिबेट्स होते हैं, खुलेआम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को टारगेट करने वाले रेंटल मौलाना बैठे होते हैं, यानी कि इस समाज को खत्म करने का, इस समाज की जड़ों को खोखला करने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। आपकी और हमारी उम्र तो खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, हमारे मां बाप भी बुजुर्ग हो गए हैं, उनका भी वक्त निकल गया है, मगर जिस चीज को लेकर आपको इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला है, आपको नियति कभी माफ नहीं करने वाली है, कि आप जो जहरीला समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके या उदारवादियों को टारगेट करके या जो लोग धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं उन्हें टारगेट करके आपका परिवार सुखी रहेगा। आप खुद से सवाल पूछिए ना, आप खुद इन डिबेट्स को देखकर खुद कितना नाराज होते हैं, खुद आपके अंदर हमेशा इतनी असहजता, इतनी रेसलेसनेस क्यों रहती है हमेशा, कभी सोचा है आपने? तो आप जो डिबेट्स देख रहे होते हैं, साथ में आपके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे रहे होते हैं,
और आप ये सोचिए वो डिबेट्स देकर उनको क्या शिक्षा मिल रही है, किसी धर्म विशेष को लेकर, कुछ खास किस्म के लोगों के लेके को लेकर अगर आपका बच्चा अपने अंदर जहर पालेगा, नफरत पालेगा, तो ये क्या वो जिंदगी में खुश रहेगा? क्या ये सवाल का जवाब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है? क्या इस सवाल का जवाब ढूंढने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं? और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि इस परिवार का इतिहास रहा है बेहतरीन प्रवक्ताओं का। इन चेहरों पर गौर कीजिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अब इन वक्ताओं पर गौर कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके उस बयान को छोड़ के जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या की जमीन को समतल करना पड़ेगा, उसके अलावा एक भी ऐसा बयान नहीं है जिसमें उन्होंने किसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, और वो भी जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही मिस्चीवियस बयान था, उसमें भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं था। सुषमा स्वराज के मुंह से मैंने अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं सुना। अरुण जेटली जब जिंदा थे तो वो अपनी सियासत खेलते होंगे न्यूज चैनल्स के साथ। आज जो न्यूज चैनल्स की हालत है, आज जो पत्रकारों की हालत है, उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। उन्हें ब्यूरो चीफ कहा जाता था और सब जानते हैं उन्हें ब्यूरो चीफ क्यों कहा जाता था। मगर इन तमाम प्रवक्ताओं के मुंह से आपने कभी भी अपशब्द नहीं सुने। कांग्रेस के प्रवक्ता उस वक्त उनके सामने पानी भरते थे, मगर आज, आज कौन है इनके पास? संबित पात्रा, गौरव भाटिया, प्रेम शुक्ला, और ऐसा नहीं कि इनके पास अच्छे प्रवक्ता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिनकी मैं बेतहाशा इज्जत करता हूं। जफर इस्लाम एक और प्रवक्ता हैं जिन्हें अक्सर देखा है मैंने डिबेट्स में, और हैं ऐसे कुछ और अन्य प्रवक्ता भी। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर आप इस तरह का जहर बोकर क्या करना चाहते हैं, और मैं जानता हूं आप में से अधिकतर लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से ये बात कह रहा हूं मगर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि आप सब ने धर्म और नकली राष्ट्रवाद का धतूरा चाटा हुआ है। जब तक आप खुद को, अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक आप इसी तरह के जहरीले प्रोग्राम्स, इसी तरह के जहरीले पत्रकार, इसी तरह के जहरीले प्रवक्ताओं की जय जयकार करते रहेंगे, और ये आपकी नियति है, ये दुर्भाग्य से इस देश की नियति है। नमस्कार।